आज हम दिल्ली के एक ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं जो कि एक तरीके का मॉडल भी है और जो ये बता रहा है कि आखिर वैक्सीनेशन सेंटर में किन जरूरी चीजों का होना जरूरी है। आप ये मशीन देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क और ये एक खास तरह की मशीन है। इस वक्त मेरे साथ राजपाल सिंह जी भी हैं जो निगम पार्षद हैं और स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन भी है। सर आप बताइए कि ये जो मशीन है ये एक खास तरह की मशीन दिख रही है, आमतौर पे वैक्सीनेशन सेंटर्स में हमने इस तरह की मशीन नहीं देखी, क्या काम करती है ये? एक मॉडल वैक्सीन सेंटर है कोविड का और इसी को देख करके देश भर की एजेंसियां कॉपी कर रही हैं। ये एक स्पेशल रेफ्रिजरेटर है जो इसी के पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें पानी भर करके अगर 4 या 5 दिन लाइट नहीं भी आती है तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, दवाई को जो टेम्परेचर पे ये फिक्स किया जाएगा वो टेम्परेचर उस दवाई को मेडिसिन को मिलेगा और ये एक स्पेशल तरीके की एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है। यानी कि ये कहा जाए कि अगर बिजली की सुविधा नहीं भी रहती तब भी हमारी जो वैक्सीन है वो सेफ रहे। बिल्कुल, क्योंकि BACS का कोई ज़्यादा भरोसा रहता नहीं है तो कभी लाइट चली भी जाए, और ऐसे भी कुछ सेंटर्स हैं जहां लाइट को लेकर के फ्लैक्चुएशन रहती है, ये उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और ये मशीन इसी पर्पस से ली गई है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो हमारी जो वैक्सीन है उसमें किसी तरह का विघ्न ना पड़े। यानी कि आप जब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचेंगे तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो और इस इन इन तरह की मशीनों से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो आपकी वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सेफ रहे। साफ तौर पर वैक्सीनेशन के लिए पूरे भारत में तैयारियां जोरों पर हैं और दिल्ली में जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर हम खड़े हैं ये दिल्ली का पहला ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर्स है जो कि हमें ये बता रहा है कि बाकी दिल्ली में भी या बाकी देश भर में भी ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर होने कितने ज़रूरी हैं। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।